अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब सही सलामत होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो टॉप मोस्ट 3 टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज है यानी जियो, एयरटेल और वीआई, इनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो टॉप मोस्ट 3 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जियो, एयरटेल और वीआई, इनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब 3 जुलाई 2024 से रिचार्ज प्लान जो है उनमें इजाफा होने वाला है, यानी कि 12 से 25% तक उनमें इजाफा होने जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये बात सही है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि जो ये अपडेट है लोग इससे नाराज़ ही होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। अगर 10-20 रुपए की बात होती तो वो अलग बात है, यहाँ पे अब 12 से 25% की बात है। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँगा 239 जो पॉपुलर रिचार्ज है एयरटेल और जियो का या वी आई का, तो इसमें जो इजाफा होने जा रहा है वो 299 यानी कि 299 का रिचार्ज अब आपको डालना पड़ेगा 3 जुलाई 2024 से। वही सेम वैलिडिटी 28 दिन, वही सेम डेटा 1.5 GB आपको पर डे मिलेगा, यानी कि इसमें तकरीबन 60 रुपये का इजाफा होने वाला है। इसी तरह जो रिचार्ज 299 है वो 349 हो जाएगा। इसी तरह 666 जो है उसमें भी तकरीबन 135 का रिचार्ज उसका इजाफा हो जाएगा, 135 रुपये का इजाफा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिचार्जेस हैं जिनमें 20 से 25% तक का रिचार्ज हो जाएगा जो पॉपुलर रिचार्ज है। तो दोस्तों ये कंपनीज जो है इनकी तरफ से कुछ दिन पहले एक यही अपडेट आया था जो मैं आप इस वक्त जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हालांकि लोग इस अपडेट से खुश होंगे या ना होंगे वो तो 3 जुलाई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हालांकि मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि अगर 10-20 रुपए अगर हर रिचार्ज में यहाँ पे इंक्रीज हो जाता तो वो अलग बात थी, लेकिन तकरीबन हर रिचार्ज में 50 और 3 महीने का रिचार्ज जो है उसमें 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक उसमें इजाफा होने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ मैं बचत की बात करूँगा कि अगर 3 जुलाई से पहले पहले अगर आपने 2-3-4 प्लान इकट्ठे डाल दिए तो वो क्यू में रहेंगे, तो 1 by 1 28 दिन के बाद वो प्लान जो है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और इससे थोड़ी सी बचत आपको हो जाएगी। तो इसी तरह जो 1 महीने का प्लान डालता है अगर वो 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का प्लान डाले, हालांकि थोड़ी सी बचत हो जाएगी। तो इसी तरह जो रिचार्ज डालता था 299 का, अगर वो 2-3 दफ़ा डालेगा तो इसी तरह वो 1 by 1 28 दिन के बाद उसका जो रिचार्ज है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, ये जो अपडेट है टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से क्या ये सही आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप 60 रुपये, 50 रुपये से 100 रुपये से 150 रुपये तक का यहाँ पे जो इजाफा होने जा रहा है ये सही है या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो इजहार है वो ज़रूर यहाँ पे दर्ज कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखेंगे और अकॉर्डिंगली जो प्लान्स है वो रिचार्ज करेंगे। दोस्तों ये थी एक अपडेट जो टॉप मोस्ट 3 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट थी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।